सिंध में मैट्रिक इम्तिहानात का दूसरा रोज मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया। नवाबशाह चंदवाला यार और सांगढ़ में मैथ का पर्चा आउट हो गया। पेपर व्हाट्सएप पर वायरल है। पुलिस ने सांगढ़ में इम्तिहानी मराकज के करीब फोटोशॉप्स बंद करा दिए। पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज से हफ्ता शहदा मना रहे हैं। हफ्ता शहदा के दौरान मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल होगी। 8 जुलाई को शहीद बुरहान वानी के यौम शहादत को यौम मजाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। बुरहान वानी के अबाई कस्बे तराल की तरफ मार्च किया जाएगा। 13 जुलाई को 1931 के शहदा की याद में यौम शहदा मनाया जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर मजीद 25 जाने ले गई। 830 अफराद में वायरस की तस्दीक। कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,64,490 हो गई। मस्बत केसेस की शरह 2.22% रही। SOPs पर अमल दरामद ना हुआ तो दोबारा पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, NCOC ने खबरदार कर दिया। दुनिया भर में 18,49,31,000 से ज़ायद कोरोना से मुतासर। हलाकतों की तादाद 40,610 हो गई। बरतानवी वज़ीर आज़म का कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियां उठाने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। कोयटा के इलाके हजार गंजी में CTD और सिक्योरिटी अहलकारों का एक्शन। 5 मुबैना दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द हसास तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। और अफगानिस्तान में खाना जंगी बढ़ने लगी। मुल्क के शिमाली हिस्से में मजीद कई इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। तालिबान से जान बचाकर 1,000 से ज़ायद अफगान अहलकार ताजिकिस्तान में पनाह लेने पर मजबूर।